ये खुल रहा है, अरे चेक आउट, ओ माय गॉड भाई, वी आर एट मनाली। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नो सॉरी, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग माय चैनल। स्वागत है आपके नए व्लॉग में, मैं रॉकी के साथ हूँ। और एक्चुअली क्या कि बहुत दिन से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, सडनली इनका कॉल है मेरे पास कि कहीं चलते हैं घूमने के लिए, और दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमने प्लान किया कि ऐसा जगह चलते हैं जहाँ पे इंडोर प्लेस हो और थोड़ा सा एसी वाला मज़ा भी आए। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, मतलब मैं नोएडा रहता हूँ, तो वहाँ से 20 मिनट के डिस्टेंस में एक मॉल है, क्या नाम है इसका, द ग्रैंड वेनिस मॉल। हाँ, द ग्रैंड वेनिस मॉल, द ग्रैंड वेनिस मॉल इसलिए क्योंकि ये इंस्पायर्ड है वेनिस सिटी से, तो अंदर जाएंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे एग्जैक्टली कैसा है। और दूसरा यहाँ पे स्नो वाला वो सीन भी है, क्या स्की बोलते हैं, हाँ स्की है, तो अगर वो मौका मिला तो मतलब मनाली वाला मज़ा हम इधर ले लेंगे, कश्मीर वाला, मनाली में तो स्नोफॉल खत्म हो गया, कश्मीर वाला मज़ा इधर ले लेंगे, ठीक है चलते हैं। और अगर मैं आपको ग्रैंड वेनिस मॉल के बारे में बता दूँ, तो ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट मॉल है ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा इज़ अ वेरी अपब्रिंगिंग सिटी, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा, मतलब एशिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी होने वाला है। आप देख रहे हो मॉल कितना सुंदर लग रहा है, तो मतलब ये लार्जेस्ट मॉल है ग्रेटर नोएडा का। नोएडा का GIP है, बट ग्रेटर नोएडा का ये ग्रैंड वेनिस मॉल है। अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली में कैसा है। अभी इंडिया में पता नहीं ये प्रॉब्लम क्या है यार, आप कहीं पे भी जाओ कैमरा अलाउड नहीं है। अब मैंने बोला, मतलब अभी मैं वेनिस मॉल के अंदर जा रहा था, इन्होंने बोला कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। अब मेरे को बात बताओ, आईफोन में क्या कैमरा नहीं होता? मैं भी आईफोन से शूट करूँगा तो उस पर तो कैमरा होता है ना। पता नहीं यार क्या सीन है तो इंडिया में। अभी वापस से जा रहे हैं पार्किंग लॉट की तरफ और कैमरा रखेंगे, फिर हम आएंगे और फिर आईफोन से शूट करेंगे। पर यार मतलब फ़ोन पे भी तो कैमरा होता है, कैमरा तो नॉट अलाउड बट फोन से अलाउड है, तो मतलब मेरे को समझ आता है लॉजिक क्या है। तो ये वाला शॉट आप जो देख रहे हैं, ये मेरा आईफोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि GoPro अलाउड नहीं है, तो ये बस जा रहे हैं अंदर की तरफ। पता नहीं क्या लॉजिक है यार, मतलब कैमरा क्यों अलाउड नहीं। अगर मैं आपको पहला लुक बताऊं ग्रैंड वेनिस का ना, तो ये बस वाव है, सच बता रहा हूँ, इतना ब्यूटीफुल मॉल यार, क्या बताऊं आपको। और तो रॉकी बोला कि पहले भूख लगा है, तो पहले हम चलते हैं KFC में कुछ खाते हैं एंड देन वी शूट समथिंग। बट मॉल यार एक नंबर, मतलब बिल्कुल डिफरेंट मॉल, सुपर है भाई। मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में ये सबसे डिफरेंट मॉल है ना। मेरा इंडिया में कहीं और ऐसा मॉल होगा है ना, इसमें वो बोर्ड भी चलती है, बोर्ड भी चलते हैं, अभी बोर्ड दिखाएंगे इनको। भाई ये सीन देखो भाई, ये नज़ारा देखो, वाओ बहुत सुपर है भाई। अब ये देखो ये सारे बोट्स है और ये ऐसे पानी बह रहा है, तो मतलब अभी इसको हम शूट करेंगे थोड़ी देर में, पहले हम मतलब आ जाते हैं कुछ खा के, फिर हम इधर शूट करेंगे, होगा तो हम राइड भी करेंगे, देखते हैं अगर राइड करने का मन करे तो राइड करेंगे, तो कोई बात नहीं। आ जाओ, अभी हम जा रहे हैं KFC में कुछ खाने के लिए, KFC मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि KFC ही खाना है। स्मोकी चिकन खाना है, स्मोकी चिकन एंड वो मैं तो ना क्रिस्पी भी खा लेंगे इस बार। अच्छा नहीं, वो बर्गर का नहीं ये फूड दादा, इट्स इन टू 4th फ्लोर। और तुम 4th फ्लोर में आ गए, और 4th फ्लोर में फूड कोर्ट है, ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया फूड कोर्ट है। इन्होंने डिमांड किया कि हम KFC में खाएंगे, बट वाओ मोमोज इज आल्सो गुड। पर ये KFC होगा भी भाई, KFC है क्या यहाँ पे? What the fuck? और हम इधर आए थे KFC में खाने के लिए, बट ये लोग ये बोल रहे हैं कि KFC जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे खाने के लिए, ग्राउंड फ्लोर देखते क्या है। बट जहाँ पे फूड कोर्ट है वहीं पे सब कुछ होना चाहिए ना, पता नहीं क्या। तो फाइनली हमें KFC दिख गया है, ये वाला KFC है ना, तो जाते हैं भी इनको क्या खाना देखते हैं। यार ये भी पंगा है यहाँ पे, बस एक काउंटर चल रहा है, पर क्या चक्कर है यहाँ पे, एक काउंटर बस चल रहा है, बस ये मोहतरमा जी ले रही है, बाकी तो कोई कुछ नहीं हो रहा है। पॉपकॉर्न चिकन वाले बिरयानी वाले और 2 पीस स्मोकी चिकन, 2 पीस नथिंग। और हमने ऑर्डर किया है पॉपकॉर्न चिकन राइस, ये बिरयानी चिकन बिरयानी और स्मोकी रेड चिकन, टोटल जो है पड़ा 616 रुपये। इसमें काम हो जाएगा अपना, तो हमारा खाना आ गया, ये अपना पॉपकॉर्न राइस बिरयानी है, और ये 2 पीस चिकन लेग पीस है, वो स्मोकी चिकन लेग पीस जो रॉकी का और मेरा भी फेवरेट है, तो अभी इसको खाते हैं और फिर फटाफट से फिर मॉल निपटाते हैं, ठीक है।
ऑल इट। तो खाना फाइनली हुआ कंप्लीट, अब हम निकलते हैं। तो खाना एक नंबर था, अब एग्जैक्टली हम वेनिस मॉल को एक्सप्लोर करते हैं एग्जैक्टली कैसा है। बाकी आप देखोगे मॉल के ना, मॉल के सारे मॉल के नीचे आपको पानी दिखेगा, ये देखो इस तरीके से पानी है, इससे बोट चलता है पूरा राउंड करके, पूरा बोट चलता है ना। अब मॉल का ब्यूटी देखो भाई, क्या एक नंबर। आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, आपको लगेगा कोई पुराना जमाने का वेनिस सिटी है, एम्स्टर्डम टाइप लगेगा ना, मतलब एक नंबर है भाई। अब चेक करो, इस तरीके से नाव आते हैं ना यहाँ पे, ये स्टेशन बना रखा है, ये वाला स्टेशन है और ये ऐसे नाव आ रहा है, तो इसमें आप ट्रैवल कर सकते हो नाव में ना, इस तरीके से आप मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपको ग्रेटर नोएडा में मिल रहा ना। मैं मेरे घर से 20 मिनट के डिस्टेंस में, बट मैंने अभी तक ये एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, बट जस्ट ड्यू टू रॉकी मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। मतलब एक नंबर है भाई, मतलब इतना मज़ा आ रहा है, इतना बढ़िया वाइब्स है, आपको फील ही नहीं होगा कि आप ग्रेटर नोएडा में हो। फॉरवर्ड, तो हम जा रहे हैं बोट राइड की तरफ, देखते हैं बोट राइड क्या प्राइस है, कितना लेता है, और अगर सब कुछ अपने बजट में रहा तो बोट राइड करेंगे, अगर बजट में नहीं रहा तो फिर ऐसे ही टाटा बजट। भाई कैसे बोट राइड? 400 रुपीज़ पर पर्सन है। 400 पर पर्सन है, पर पर्सन है। और इसमें पूरा मॉल का हाफ राउंड है, हाफ राउंड है। ओके, हाफ राउंड कितना कितना मीटर होगा? 200-250 मीटर। बोट का जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है, 400 रुपीज़ पर पर्सन। भाई मैं अपने मामा घर में फ्री में घूमता हूँ, लोग बोलते हैं बोट में चढ़ जाओ, मैं बोट में चढ़ता नहीं हूँ। ये 400 रुपये पर पर्सन चार्ज करो भी 200 मीटर का, लाइक इट वॉज हेल शेट। तो हम बोट नहीं जाएंगे। अभी हमने पता कराया कि जो स्नो स्काइंग वाला है वो 1000 पर पर्सन है, पर एग्जैक्टली में क्या प्राइस है वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। बट अभी हम वहाँ जाते हैं और फिर देखते हैं एग्जैक्टली क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं है। अगर प्राइसेस सही रहा तो विल गो देयर, स्नो स्काई करेंगे। सही दे रहा तो आप अभी जस्ट मनाली होके आए, आप ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं, लास्ट ब्लॉग है मनाली से होके आए हो, पूरा स्नो में लदा हुआ। तो बाकी मॉल का व्यू देखो भाई, इंडिया में ग्रेटर नोएडा में इतना बढ़िया मॉल, लाइक एक नंबर भाई, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, कोई डाउट नहीं है इसमें भाई, एक नंबर है भाई। यहाँ पर सारे आपको शोरूम मिलेंगे, लेंसकार्ट, ले मार्शे, लिवाइस, बाटा है ना, MRDIY, स्केचर्स, मेट्रो, आपको सारे जितना भी आप ब्रांड ढूंढ रहे हो आपको सारे ब्रांड भी मिल जाएंगे। तो फॉर शॉपिंग, फॉर फैमिली एंजॉयमेंट, कूल बोटिंग वुड बी लाइक समथिंग, एक बचपना वाला बात हो जाएगा। तो 400 रुपये फॉर दैट बचपना इज लाइक, मतलब मॉल के किसी भी कोने में आ जाओ आपको ये पानी दिखेगा ना, तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा ना पानी, और मतलब इस तरीके का पूरा पानी मिलेगा ये सब। भैया ये आ गया ना फोर्थ फ्लोर में, अभी ढूंढते कि वो स्काइंग वाला कहाँ एरिया है, अभी देखते हैं कि स्काई वॉक वो हो रहा ना, स्काई वॉक। तो अभी जाते हैं स्काई वॉक में, चेकआउट करते हैं क्या सीन है वाला। इफ़ आई टॉक अबाउट वेनिस मॉल ना, तो ये हैपनिंग सा प्लेस है, मतलब आपको एक अलग सा मॉल लगेगा। अब सोचो मॉल के नीचे ही पानी है, बोट राइड कर सकते हो, और मतलब ऐसा वाला मतलब किंगडम वाला माहौल ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है। और इधर का ही काउंटर है स्नो मस्ती का, अभी चेकआउट करते हैं एग्जैक्टली काउंटर में क्या प्राइस है। वैसे बाकी जो हमें भी पता चला है कि दैट इज समथिंग अराउंड 1100 रुपीज, जो कि बढ़ चुका है हर जगह का रेट। स्नो वाला कौन सा एरिया मैम? थैंक यू। और यहाँ पे आपको हाउस ऑफ डेड भी मिलेगा, तो अगर जो बहुत ज़्यादा डरते हैं उनको लेके आ जाओ यहाँ पे। बाकी एरिया मस्त है यार, घूमने का सारा एरिया यहाँ पे। ये जो एरिया, ये स्नो मस्ती वाला एरिया, स्नो मस्ती जोन है, तो यहाँ पे आपको टिकट्स मिलते हैं स्नो मस्ती का, एग्जैक्टली प्राइस को बताते हैं क्या है नहीं है। स्नो मस्ती टिकट 900 रुपीज का है। और कितनी देर का होता है? 1 आवर का होता है। चले चलते। और इट्स स्नो मस्ती का जो टिकट है दैट इज 900 रुपीज़, ये रीजनेबल हमें लगा। 900 रुपये इज गुड फॉर इन्जॉइंग यू नो मनाली काइंड ऑफ थिंग इन दिल्ली, तो ये थोड़ा अच्छा लगा हमें। तो हम स्नो मस्ती में जाएंगे, 900 रुपये का टिकट है। और अगर अभी मतलब पूरा घूमते हो, बोट राइड अगर आप पहले कर चुके हैं तो थोड़ा सा सिक्योर रहा ना, वो पैसा आप स्नो मस्ती में लगाओ। 400 रुपये का बोट राइड है, उसमें 500 रुपये ऐड करते हो तो आपको स्नो मस्ती वाला मजा आ जाएगा। तो आप क्यों ना स्नो मस्ती करो, ठीक है? तो ये है स्नो मस्ती का टिकट, और हमें पड़ा ये रहा टिकट 900 रुपीज़ का, हमें पड़ा एंट्री स्नो का यही से टिकट। आप ड्रेसें भी देते हो ना यहाँ पे? ड्रेस भी देते हो ना पहनने के लिए? और तो 900 रुपये का टिकट में आपको ड्रेस भी मिलता है पहनने के लिए, तो वो ड्रेस पहनेंगे ताकि मतलब ठंड का फीलिंग ज़्यादा ना हो ना, तो ड्रेस भी मिलता है। अभी हम ड्रेस पहनेंगे एंड देन विल गो टू स्नो स्काइंग।
सुन गेट अ जैकेट, आपको एक जैकेट मिलेगा पहनने के लिए ऐसा सा, और आपको ये पजामा सा मिलेगा पहनने के लिए ना, और शूज़ जो आप हमें भी पहने हुए ये शूज़ खोलना पड़ेगा, और हमें शूज़ उधर से शूज़ मिलेगा, वो एरिया शूज़ का ना, उधर से शूज़ है वो एरिया शूज़ का, वहाँ हमें शूज़ मिलेगा। नहीं मेरा भी सेम साइज होगा, हाँ सारे साइज देखे दिया, आई डोंट नो। चलो फिर इसको फटाफट पहनते और फिर हम चलते अंदर जाओ ना। Right, तो इसके इसके अंदर ये जन्नत अपना स्नो वाला स्काई वाला ये खुल रहा है। अरे चेक आउट, ओह माय गॉड, वी आर एट मनाली, ये ब्रो ये। तो हम आ गए वापस मनाली में भाई, किस सीन है भाई, मैं मान नहीं सकता कि यहाँ पे है ये। ऑलराइट, तो अंदर आने का सबसे पहला ये आप देखो क्या मस्त दो है यार, वाकई में फील होगा कि आप ना मतलब मनाली या कहीं आए हो, एक नंबर है भाई, क्या मस्त है ब्रो, वाओ। मतलब अगर आप मनाली या कहीं गए हुए तो आपको ऐसा फील होगा ये थोड़ा नकली सा लगेगा, बट हाँ मतलब आपको अगर दिल्ली में ऐसा मिल रहा है तो क्या क्या मतलब क्या दिक्कत है, मतलब एक नंबर है भाई, मतलब मजा आ रहा है। ओह ओके, मैं जा रहा हूँ स्लाइड करने के लिए, ये इधर स्लाइड करेंगे, अभी देखते हैं क्या सीन है। रॉकी भाई पूरा कैप्चर करता है, पूरा कैप्चर हुआ। भाई मजा आ गया एक नंबर, इनको हाथ पकड़ लेना, इनका हाथ पकड़ लेना, वाओ। अरे एक और है, है? एक हाँ? और है गोल वाला, उसमें ऐसे घूम के जाएंगे, हाँ चलते हैं ये ना, अपना कैमरा पकड़ते हैं ऐसे। और तो एक राइड खत्म हो गया, अभी हम जा रहे हैं दूसरे राइड की तरफ। राइड तो एक नंबर था भाई, मेरा राइड इतना मजा आ रहा था भाई, इतना स्लीपरी था, मुझे तो लगा वहां पे मैं गया, बट थैंक गॉड मैं बच गया। अभी ये राइड कर रहे हैं, और ये ऐसा कोई एस्किमो का घर सा बना हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आप जा सकते हो, बट स्कूल बाकी फोटोग्राफर जो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फोटो खींचने के लिए। सॉन्ग बहुत लाउड बज रहा है, पता नहीं मेरा आवाज क्लियर आ रहा नहीं आ रहा है, बट हाँ आप यहाँ पे ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है भाई, मतलब अगर आप वाकई में दिल्ली नोएडा में हैं और उस दो का मजा ले रहा है तो आप आ सकते हो, देख सकते हो भाई कितना शानदार बना रखा है ना, जो कितना बढ़िया है ना, मतलब एक नंबर है भाई। यहाँ पे चलो आराम से, आपको फील आएगा स्नो में, आप नीचे देखो, वाह ब्रो क्या सही है ना, मतलब मैं सोचा कि मैं भी गर्मी में घर में बैठा था, मुझे नहीं पता कि मैं स्नो टाइम वाला मस्ती कर पाऊंगा, बट यस वी आर डूइंग स्नो टाइम वाला मस्ती। ये भी ऐसे कोई राइड है इसमें मैं ऐसे अगर ट्रैवल कर सकते हो गो करके, क्या व्यू पॉइंट है ये देखो आप, और ये आइस वाकई में बहुत ठंडा है भाई, वाकई में बहुत ठंडा है। ये स्नोफॉल होता है ना कुछ ऐसे होता है ये। ऑल राइट, तो अब हम करते हैं काम की बात, हमने यहाँ के लिए 900 रुपए पे किया था, इसमें हमें दो तीन राइड्स मिल जाते हैं, रोप क्लाइंबिंग मिल जाता है, आपने भी स्लाइड करते मुझे देखा था वो स्लाइडर मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप पहले से स्नोफॉल या स्नो एरिया घूम के आ चुके तो ये वाले स्नो में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ये ना थोड़ा सा मोटा है, मतलब ये आइस है, आप चेक कर सकते, ये आइस है स्नो नहीं है, तो ठंड ज़्यादा है बट ये आइस है स्नो नहीं है। बट अभी आप कभी कभी भी कहीं नहीं गए स्नो फॉल एरिया में तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और अगर आप गए भी हैं तो भी आओ, नोएडा से 20 मिनट का रास्ता है, ग्रेटर नोएडा में एक मॉल है ग्रैंड वेनिस मॉल करके, उसका गूगल मैप का जो लिंक होगा वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो आओ और एंजॉय करो,
मजा आने वाला है। ठीक है, अब आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। और तो फाइनली हमने स्नो वाला स्की इंजॉय कर लिया, मज़ा आया बहुत भाई। तो देखो मतलब सही है, मतलब पैर भी आपके अंदर तक जा रहा है, पर ठीक है देखो जैसे निकलते और हवा भी देखते और क्या कुछ है, फिर चलते हैं बाहर चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जिट है उधर से एंट्री था। ठीक है चलते हैं। ऑलराइट, तो बस हम लोग स्नो मस्ती से अभी जस्ट बाहर निकले हैं और रॉकी भाई का पैर थोड़ा ज़्यादा ही ठंड हो गया था, ज़्यादा ही ठंड पड़ गए थे आज, तो बस अभी हम जा रहे हैं वापस से कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी पीने हम चलेंगे अभी, कॉफ़ी पीने के लिए अभी देखते हैं कहाँ। वो पानी के लिए बगल में एक कॉफ़ी शॉप था ना वहाँ, ठीक है अभी कॉफ़ी पीने के हम जा रहे हैं। ये आपको सामने दिख रहा होगा वो वाटर वाला एरिया है वो, तो हम वहाँ जाएंगे कॉफ़ी पीने के लिए। बाकी भाई को ठंड लग गया थोड़ा बहुत, अभी इतना भी नहीं लगा पैर वाले में, उसमें शूज़ देने यार वो बर्फ़ घुस गया था बहुत। हाँ ऐसा पानी सा है ना, इसलिए बगल में कॉफी शॉप बना रखा है तो थोड़ा सा एम से डम वाला फील आएगा ना। और तो ऐसा कुछ बैठने का उन्होंने बनाया है, ये इधर बैठने का है और ये देखो इधर से पानी आ रहा है, क्या सुंदर बनाया है इन्होंने, मतलब बहुत ही शानदार है। मतलब नोएडा के लोग जो है ना वो GIP और DLF मॉल को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बट मेरे हिसाब से ये मॉल को तवज्जो मिलना चाहिए। ये ऐसे पानी रहा और ये इधर बैठने का रहा, क्या सही सिस्टम है ना। क्या ऑर्डर किया है? हमने कैपेचिनो एंड वन गार्लिक ब्रेड। तो अभी हमने जो भाई ने बताया हमने वही ऑर्डर किया है। बाकी मेन जो पैसे यहाँ के ना वो इधर बैठने के, यहाँ पे हम बैठे हैं दो तो पानी और हम इधर बैठे हैं और यहीं पे कैपेचिनो का मज़ा ले, अभी पे ठंड से आया अभी गर्म का मज़ा। और जहाँ पे हमने अभी कॉफ़ी लिया है वो कोई स्टारबक्स नहीं है, वो ऐसा कुछ है ना डेंसी कॉफ़ी बोल के। तो अगर आप यहाँ आते हैं वेनिस मॉल में तो आप डेंसी कॉफ़ी आके आप गार्लिक ब्रेड और कैपेचिनो का आप मजे ले सकते हैं। ठीक है, और ये देखो नाव जा रहा था, क्या सही है, पर नाव का रेट बहुत ज़्यादा है। बाकी ये जो गेम है ना बिल्कुल सही है वैसे। और तो हमने जो सभी कॉफ़ी वॉफी ख़त्म कर लिया, अभी हम जा रहे हैं वापस की तरफ। और मॉल में तो घूमने का है नहीं, मॉल में कुछ नहीं घूमने का, मतलब यहाँ पे कैसे कि शॉपिंग में सब कुछ मिल जाएगा, एडवेंचर करने का सब कुछ मिल जाएगा। घोष साउथ भी था मैंने देखा, घोष साउथ भी था, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आओ मतलब यहाँ पे ना बेसिकली मैंने क्या देखा है कि अभी ना नोएडा के वैसे वाले पब्लिक यहाँ पे आई नहीं है, मतलब वो ना लैविश पब्लिक, लैविश नहीं मतलब घूमने के लिए जो पब्लिक आती है वही आती है। हाँ जो जो मतलब जो मतलब आस पास के लोकेशन जो है ना वही आते हैं, बाकी अभी नोएडा वाला पब्लिक इधर आया नहीं है, मतलब भीड़ आया नहीं है। अब ये मॉल आओ, ये मॉल वाकई बहुत अच्छा है, मतलब GIP से तो बहुत ही अच्छा है। क्या बोलते हो मॉल पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ नहीं बहुत सारे गेम पॉइंट्स भी हैं ऊपर, तो घूमने के लिए मस्ती करने के लिए मस्ती टाइम करने के लिए अभी आ सकते हो, उस नज़रिए से ये मॉल बना है। ठीक है, तो बस आज का ब्लॉग यहीं देख रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग एक नए जगह पर। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।